पुचको। हाँ पुचकी। आलिया और रवि सोते वक्त कितने प्यारे लगते हैं। हाँ नन्हे फरिश्ते हैं वो। वैसे पुचको। हाँ पुचकी। मम्मी जी पापा जी सुमित और माया सब गए हैं ना फूफा जी से मिलने। हाँ सब गए फूफा जी से मिलने। मतलब घर पे कोई नहीं है ना। हाँ मतलब घर पे कोई नहीं है ना। हाँ ओ हाँ घर पे कोई नहीं है। हाँ हाँ पुचकी घर पे कोई नहीं है पुचकी। अब पता चला हम पर रोज क्या गुजरती है। आप लोग फूफा जी के घर से इतनी जल्दी आ गए। खत्म हो गए उनके जन्मदिन का प्रोग्राम। अबे फूफा जी का प्रोग्राम तो चलता रहेगा पर तुम दोनों का क्या रंगीन प्रोग्राम चल रहा था अभी। सोनू मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो क्या उम्मीद थी मम्मी जी। 35 साल का घोड़ा हो गया हूं लेकिन फिर भी अकेला नहीं छोड़ते मुझे। पुचको लगता है इसका बाहर प्रोग्राम करने का प्रोग्राम है। चलो नाश्ता तैयार है। मम्मी जी ये आपका। अरे रजनीश तेरे दोस्त विक्रम की पार्टी है ना कल रात, तू जा रहा है ना। नहीं नहीं रात 10 बजे के बाद कोई पार्टी नहीं। क्यों? अरे तू देर से वापस आता है पूरा घर जाग जाता है, फिर ये डकारे मारना शुरू करते हैं, मेरी भी नींद उड़ जाती है। चल बैठ नाश्ता कर ले। ये सही है, पापा जी का पेट खराब है, तुम्हें अपने दोस्तों से भी ना मिल। चलो नाश्ता तैयार है। मेरा किचन ना पूरे दिन खुला नहीं रहता। हाँ पर तेरा मुंह पूरे साल खुला रहता है। हेलो गुड मॉर्निंग पुचको। बस करो पापा यार, जब भी सिमरन यहाँ पर आती है आप मुझे पुचको पुचको कह के चिढ़ाते रहते, मुझे नहीं पसंद। अब तेरी पुचकी ने तेरा नाम ही ऐसे ढूंढ के रखा है पुचको। तेरे कान कितने गंदे हो गए, चल साफ कर देती हूँ। नहीं मम्मी यार। अरे साफ करने दे। अबे अपनी मम्मी को कान का पुचकू साफ करने दे पुचकू। अरे बस बस हो गया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। क्या अबे पागल हो गया पुचकू। बस करो पापा यार, तू जा, सही कह रहा है। बोलो चुप कर, नाश्ता करना तो कर। सोनू कहीं नहीं जा रहा है। मैं जा रहा हूँ मम्मी जी और सही में जा रहा हूँ। अच्छा तुझे याद है ना पिछली बार जब घर छोड़ के जा रहा था। हाँ मेरी शादी होने वाली थी। मेरा मुंह मत खुलवाओ शादी के बारे में, आखिर क्या हुआ बोलना क्या हुआ। इसकी होने वाली पुचकी मंडप छोड़ के भाग गई थी। और हम तुझे घर ले आए थे, तेरी देखभाल की, तुझे किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी, और तू घर छोड़ के जा रहा है आज। जा जा, लेकिन इस बार ना तेरी माँ नहीं आएगी तेरे दिल के टुकड़े समेटने। हाँ आ गई अकेले ठिकाने। चल भाई मैं भी चलता हूं, समझा इस पुचकू को। पुचकू पुचकू होता है। पुचकू मेरा मतलब सोनू, तू जा, तुझे यहां से निकलने की सख्त जरूरत है। हाँ और मैं निकलने ही वाला हूं। हाँ पर कब? जब जब सही वक्त आएगा।
कब आएगा सही वक्त? जब अभी शादी करके अपनी बीवी को लेके आएगा तब? तू भी शुरू हो गया है? ठीक है, तुझे जो करना है वो तू कर, पर मम्मी जी तेरे दिमाग का भूसा बनाती रहेंगी और वही भूसा तेरे कान से साफ करती रहेंगी। पर धोनी पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो क्या हुआ अगर वो वर्ल्ड कप हार गया? वो एक महान कप्तान है। और पापा जी तुझे और सिमरन को पुचकू पुचकू बुलाते रहेंगे। तू यहीं का यहीं रह जाएगा जिंदगी भर। चुप कर, समझा? और मेरी जिंदगी में दखल मत दे। मैं बस तुझे इस तरह पिटा हुआ और दुखी नहीं देख सकता। जो समझना है समझ ले, पर तू मेरा सबसे फेवरेट बड़ा भाई है। समझा? ओनो, रुक जा एक मिनट। मम्मी जी एक मिनट आइए, बैठिए। क्या है सोनू? क्या? देखिए मम्मी जी, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। सोनू बहुत काम पड़े मुझे। नहीं मम्मी जी सुनिए। देखिए मम्मी जी, मैं मानता हूं कि आप मेरे लिए बहुत सारे काम करती हैं। आप मुझे खाना देती हैं और मेरे कान साफ करती हैं। लेकिन मम्मी जी, अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से मैं बाहर की दुनिया में जाके कदम रखूं। नहीं मम्मी नहीं, अब मैंने फैसला ले लिया। और मोनू थैंक्स। सोनू ने तुझे थैंक्स क्यों बोला? वो विक्रम की पार्टी का न्योता दिया था ना मैंने उसे, इसलिए। थैंक्स मोनू, थैंक्स। तू ना होता ना तो मैं ये घर छोड़ के जाने वाली बात सोचता ही नहीं। मोनू, मैं बाद में आता हूँ, 2-3 हफ्ते के बाद। मोनू, मुझे ना काम में देरी हो रही है। पकड़े इसे, पकड़ लिया। और हुआ क्या? अरे देखो ना, सोनू को भड़का रहा है। मोनू तेरी ये मजाल? पापा जी छोड़िए, आप तो खुद उसे कहते रहते हैं घर छोड़ के जाने के लिए। अबे वो तो कहने की बात है, आखिर बेटा है मेरा। पापा जी आप, अबे समझा कर, अगर वो चला गया ना तो मैं तो अटक जाऊंगा ना इसके साथ। क्या कहा? अली सोनू, अगर आशीर्वाद दे सकते तो दीजिए। आशीर्वाद दे दूंगा बेटा, और अगर तू घर छोड़ के नहीं जाएगा ना तो मोनू के हिस्से की जायदाद भी तेरे नाम कर दूंगा। और आई तो लव यू सोनू। आज के बाद ना तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस होने दूंगी, प्रॉमिस। इसको तो जुकाम है। हाँ। सोनू भाग, भाग, माया कहाँ हो? कितना बकवास दिन था यार, किसी और की गलती गालियां मुझे पड़ी, थक गया हूं यार। उफ। आ, आ, कितना अच्छा लग रहा है बेबी, यहाँ पे भी जरा। ओह परफेक्ट, आई लव यू बेबी। मम्मी जी ये क्या कर रही थी? तू घबरा जाता है ना, इतना क्यूट लगता है। 4 दिन हुए हैं सोनू को घर छोड़े, आप तो मुझसे कितना गुस्सा थी, इतनी जल्दी माफ भी कर दिया। तुझे पता है मैं ज्यादा दिन तक तुझसे गुस्सा नहीं रह सकती, और सोनू को तो एक दिन जाना ही था ना। ए मोनू, मेरा एक काम करना, तू सोनू को मिलने जाएगा ना तो प्लीज मेरे लिए उसकी एक सेल्फी निकाल लिया।
देखना ये बूढ़ी आके ना उसको देखने के लिए तरस रही है। दादी। अरे मेरे बच्चे बब्बू। माया देखो मम्मी जी ने मुझे माफ कर दिया। चलो अच्छा हुआ, आपके बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी थी। सोनू मुझे छोड़ के चला गया तो क्या हुआ, तुम दोनों तो हो ना। देखना आज के बाद ना मैं सारा टाइम तुम दोनों के साथ बिताऊंगी। रजनीश भैया को वापस लेके आओ अभी। जी, सुन लिया ना अपना फ्यूचर, रजनीश भैया वापस नहीं आए तो हम अकेले अटक जाएंगे इनके साथ। सोनू हाँ जी नमस्ते, क्या रजनीश वालिया यहाँ किराए पे रहते हैं? हाँ आप कौन है? मैं उनका भाई हूँ। ओह आओ आओ बेटा आओ। सोनू खाना लग गया है बेटा। आओ आंटी जी। आपका घर तो मेट्रो के कुछ ज्यादा ही करीब है। हाँ कितने लकी है ना हम। आओ बैठो खाना खाओ। नहीं नहीं मैं एक्चुअली अपने घर से खाना खा के आया हूँ। ओहो कोई नहीं, मैंने आज ना आलू पूड़ी बनाए हैं। अजी सुनते हो, आ जाओ खाना खाने, और सारा दिन मेरा किचन नहीं खुला रहता। चिल्लाना बंद कर, सुना तूने? चिल्लाना बंद कर, वरना आज रात को तुझे मैके छोड़ाऊंगा मैं। ओहो मैं मायके चली गई ना तो एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। तेरे साथ रहकर रोज रोज मरने से तो अच्छा ही है। मम्मी तूने वो चटनी बनाई थी लहसुन की, कहाँ है ये रे? ला। अच्छा अचार कौन सा खाओगे? कच्चे आम का भाई। नमस्ते। ये कौन है भाई? अरे सोनू का भाई है। अरे मोनू। तू यहाँ कैसे? बस तेरा नया घर देखने के लिए आया था। है ना वर्ल्ड बेस्ट? हाँ आजा वर्ल्ड बेस्ट आंटी के हाथ की वर्ल्ड बेस्ट पूड़ी आलू खिलाता हूँ, आजा। बैठ भाई। कितना प्यारा है ना हमारा सोनू। तो कैसा चल रहा है? अच्छा है, लेकिन यार घर से दूर रह के ना थोड़ा अजीब तो लगता है। सोनू तुझे ये जगह किसी और जगह की याद नहीं दिला रही है? नहीं। कितने लकी हैं हम। हाँ हमारे घर में ना पुलिस ऑफिसर रह रहा है, रात को ना हम चैन की नींद सोते हैं। आंटी जी बस अब और तारीफ मत करो ना। क्यों भाई क्यों ना करें? अच्छा ठीक है करो। और चेंज पहली बार सुमित को बैठकर देखना पड़ेगा। सुमित वालिया। सुमित वालिया। मैं हूं कैमरामैन बलदीप के साथ सुमित वालिया वाला सुमित वालिया। नहीं आपने भी विराट का इंटरव्यू तो नहीं देख लिया? भैंस की आंख तेरी, मैंने तेरे सारे इंटरव्यू देखे। माय गॉड ए टू जेड सब इंटरव्यू देखे। माय सेल्फ सतू दिस साइड सतबीर आलू वालिया। माय सेल्फ पम्मी पम्मी आलू वालिया। मुझे देखो ना आज हमारे घर कितना फेमस इंसान आया हुआ है। तुम अजीब आदमी हो भाई, हैं? हमारे घर में रह रहे हो, तुम बता नहीं सकते कि तुम्हारा भाई सुमित वालिया है? मतलब ये तो हद है, मतलब द सुमित वालिया तुम्हारा भाई है, द टीवी वाला सुमित वालिया तुम्हारा भाई है और तुम बता ही नहीं रहे हो। मैं क्या कर रहा हूं? क्या तुम टीवी में आते हो ना तो तुम्हारे तो बहुत सारे लाखों फैन होंगे। नहीं नहीं मेरे पास एक ही फैन है हॉल में। So funny. Very funny. पहले कभी नहीं सुना ऐसा। और तू सारी पूड़ियां खुद ही खा जाएगा है? अपने भाई के लिए कुछ नहीं रखेगा? आओ ठाकुर आओ, ये देख
मेरा नया अड्डा। अड्डा तो नया है पर सोनू मोनू, अरे हलवा बना दो, खाओगे बेटा? हाँ आंटी जी। सच मोनू, आंटी जी जैसा ना कोई नहीं है इस दुनिया में। सच सोनू, मुझे तुझसे बात करनी है। देख मुझे नहीं लगता तुझे ये जगह पे मेट्रो निकलती है। शुरू शुरू में मुझे भी धक्का लगा था, फिर धीरे धीरे करके आदमी यूज्ड टू हो जाता। यार ये किस टाइप की दो लाइनें हैं मेट्रो की। सोनू तुझे यहां से निकलना पड़ेगा। क्यों, फिर से मुझे बेघर करेगा क्या? यार तूने वहां मिस्टर एंड मिसेस वालिया को छोड़ के यहां उनकी कार्बन कॉपी ढूंढ ली है, मिस्टर एंड मिसेस आलू वालिया। तू किसी अजीब तरीके से अपने घर को छोड़ के वापस अपने घर पे आ गया है। सोनू चल अपनी चप्पल उतार और बैठ जा। चल 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 बैठ जा। क्यों, क्या हो गया आंटी जी? अरे तेरे नाखून काट देती हूँ पाँव के, पता है सारी सॉक्स में छेद हो गया क्योंकि तेरे नाखून बड़े हैं। चल 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 पाँव दे ना। नहीं आंटी जी, अरे आप अरे दे ना, मैं काट देती हूँ। क्या है इसके लिए? चल दे दे। अरे आंटी जी, अरे आप कैसे ले? अरे आंटी जी लगा, मैं खुद कर लूँ, मैं खुद कर लूँ आंटी जी। कल सुबह करेगा, कल सुबह प्रॉमिस। प्रॉमिस देख मैं आके ना चेक करूंगी। ओके चल ये ले। छोड़ यार। क्या छोड़ा, क्या छोड़ मोनू? ये लोग मम्मी जी पापा जी जैसे बिल्कुल नहीं है। सोनू बुढ़े के बाल का बॉब कट करा, बुढ़े पे 100 किलो वजन डाल, बिल्कुल मम्मी जी पापा जी लगेंगे। बस बंद कर दूं मोनू। आंटी जी मम्मी जी की तरह बिल्कुल चिड़चिड़ी नहीं है, बस अंकल जब उनकी कदर नहीं करते हैं तो आंटी जी थोड़ी नाराज हो जाती है और फिर सारा दिन बक 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 यानी मेरी लाइफ का चक्का वही का वही जाम है, कुछ भी नहीं बदला। थोड़ा बदला है, तू यहाँ किराया देता है। कितना बड़ा बेवकूफ हूँ मैं? नहीं रजनीश तू बेवकूफ नहीं है, तू आदत से मजबूर है। तो अब क्या करूं? मैं बताऊं? तू वापस घर आ जा। नहीं मैं घर वापस नहीं आऊंगा, मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। जानता मैंने घर क्यों छोड़ा? क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जिंदगी कहीं ठप होके रह गई। सोचा पुरानी फटफटी की तरह उसे किक मार के रीस्टार्ट करूं, मेरा भी घर हो, बीवी हो, बच्चे हो, जैसे बाकी दुनिया रहती है मैं भी वैसे रहूं, बस तेरी तरफ। सही कह रहा है, अगर वापस गया ना तो वापस वही का वही अटक जाऊंगा। तेरी परेशानी समझता हूं मैं, मम्मी जी ने तेरा जीना आराम कर रखा होगा है ना? मेरा ही नहीं सबका, माया भी परेशान, पापा जी भी परेशान और रोज रोज उनके नए ड्रामे। एक एडवाइस दू, भाग भाग जा मोनू, भाग जा, भाग उस जगह से मोनू, भाग। सुमित तुम आ गए, क्या कहा रजनीश भैया ने? कैसा है सोनू, ठीक है ना? हाँ ठीक है,
हमने काफी टाइम बिताया साथ में। यस, मतलब वो वापस आ रहे हैं? नहीं, वो उस घर से शिफ्ट होकर कहीं और जा रहा है, लेकिन वापस नहीं आ रहा। क्या? क्या? क्यों? क्यों? बस उसे मेरा सुख चैन पसंद नहीं। यही है वो पाप का जना, इसने मुझसे मेरा सोनू छीन लिया। तेरी ये मजाल कि तूने रजनीश को हमसे दूर किया। समझा कर, अगर वो चला गया तो मैं अटक जाऊंगा इसके साथ। बम 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 बारा बिली बिली बम बे बम 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 बे ओ बम 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 बारा बम 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 बारा बिली बिली बम बे बम 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 बे